हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज, टू आइडेंटिकल ग्लासेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इक्वी कन्वेक्सिस लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ एफ आर कैप्ट इन कॉन्टैक्ट। द स्पेस बिटवीन द टू लेंस इज फिल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो आइडेंटिकल ग्लासेस हैं जिनका इक्वी कन्वेक्स लेंसेज, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और उन दोनों का फोकल लेंथ एफ है, उसे हमने क्या कॉन्टेक्ट में रख दिया। उसके बाद हमसे बोला गया है कि उनके बीच में हमने क्या फिल कर दिया, वॉटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है 4/3। तो हमें बताना है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो जैसे ये हमारा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इनके बीच का इनके बीच हमने क्या फिल कर दिया, इनके बीच हमने वाटर फिल कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा 3/2। इन दोनों का फोकल लेंथ हमारा कितना है एफ। तो हमसे बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तो अब हमें इन दोनों का फोकल लेंथ तो पता है, हम इसका जो हमारा थर्ड वाला लेंस है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड लेंस, तो हम थर्ड लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 1/f डैश इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। तो हमारा 1/f डैश कितना हो गया, म्यू कितना है हमारा, यहाँ म्यू है हमारा 4/3 माइनस 1, 1/r1। अब r1 और r2 क्या होगा इसके लिए, तो जो r1 है हमारा ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा ओरिजिन है, तो ये क्या होगा, इसका r क्या होगा हमारा नेगेटिव आएगा। और जो r2 है ये हमारा कैसा है, राइट साइड में है, तो इसका r हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये 1/r1 डेट इज -1/r और ये हमारा क्या है 1/r2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एफ डैश आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा एफ डैश आएगा ये हो जाएगा हमारा 1/3 और ये हो जाएगा हमारा -2/r। तो हमारा एफ डैश आ जाएगा -3/2r। ये आ गया हमारा थर्ड लेंस का फोकल लेंथ। अब हम फर्स्ट और थर्ड लेंस का भी जानते हैं, हमारा फोकल लेंथ कितना गिवन है हमारा एफ, तो इससे हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इसको हम लेंस में अगर फॉर्मूला को दोबारा यूज करेंगे तो 1/f, यहाँ पे एफ डैश क्या है हमारा, ये हमारा एफ ही है, हमें क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों का फोकल लेंथ क्या है हमारा एफ। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू, म्यू क्या है हमारा 3/2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब फॉर कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा r1 है वो क्या होगा, जो r1 है वो हमारा ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, और जो हमारा r2 है वो ओरिजिन के राइट साइड में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/r माइनस माइनस 1/r, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2/r। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर आ गया, हमारा आर के बराबर, यानी हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ। तो यहाँ पे जो हमारा -3/3r/2 था, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, -3f/2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमारा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट का फोकल लेंथ प्लस सेकेंड का प्लस थर्ड का। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड का तो सेम है क्या, 1/f प्लस 1/f, और थर्ड का कितना है हमारा, थर्ड का है हमारा -3f/2। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, 3f आ जाएगा, 3 + 3 माइनस 2 डेट इज 6 - 2, 4/3f। तो जो हमारा f कॉम्बिनेशन आ गया ये कितना आ गया हमारा, 3f/4, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इनमें से ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।